वेलकम टू माय ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम आपको अपने छोटी मोटी दिनचर्या दिखाएंगे। तबीयत खराब है, कोल्ड जुकाम है, पर काम तो करने ही है भाई। जैसे खाना रोज खाना जरूरी है ना, वैसे काम भी करने जरूरी है। तो आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आइए मेरे ब्लॉग को देखिए, एंजॉय कीजिए और बताइए कि हमें इसमें क्या करना है और इम्प्रूव। ये छोटी मोटी एक्टिविटीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, अभी अच्छा लगने लगा है। तो देखते हैं आज का ब्लॉग। और लास्ट में मैं आज के स्पेशल नाम का शॉर्ट आउट करूँगी तो मुझे भी खुशी होगी और आशा करती हूँ आपको भी खुशी होगी। ठीक है जी, चलिए। ये क्या कर रही है, सुबह सुबह आयुष का पजामा फाड़ दिया। आयुष ने पहले फाड़ दिया, अब मेरी बारी, अब मैं इसको फाड़ने रही हूँ, काट रही हूँ। ठीक है, इसके पोने बनाऊंगी। और रसोई में जो थोड़ा डस्टिंग वस्टिंग साफ करनी होती है, डस्टर, उस हिसाब से। कई लोगों ने सुना होगा कि भाई मम्मियाँ बड़ी कंजूस होती हैं, मतलब बच्चे का कच्चा फट जाता है तो उसके पोचे बना लेती हैं, पोने बना लेती हैं। पोने तो नहीं बनाती भाई, देखो सीधी सी बात है, ये पजामा अब इसका फट गया। ठीक है, आयुष को पजामे बहुत पसंद है, पजामा फट गया तो अब इसको क्या करना है, फेंक थोड़ा देना है। इसमें से डस्टर निकालेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने रख लिए हैं। जब थोड़ा सा होगा, एक निकाला पोचा फेंक दिया, इसको धोने का झंझट नहीं। डस्टर तो वैसे है जो धो लेती हूँ, पर ये छोटे छोटे पीसीस ना ऐसे होते हैं, काट के रख लो और उनको यूज़ करो और फिर उनको डस्टबिन में फेंक दो। ठीक है, तो ऐसे मैं छोटे छोटे पीसीस काट के रख लूँगी। और जो भी मेरा ऐसे फटे पुराने कपड़े हो जाते हैं ना, तो मैं उनको ऐसे इस्तेमाल करती हूँ। मेरे ख्याल से तो सभी करते होंगे, पर क्या होता है ना कि ये चीज़ें भी ना हमें अब समझ में आई हैं काफ़ी एज के बाद, कि ये कपड़े भी हमें फेंकने नहीं हैं और इनके छोटे छोटे पीसेस करके रखो और इससे डस्टिंग करो और इसको फिर फेंक दो, है ना। तो मैं ये काम कर रही हूँ जो कि ज़्यादातर लेडीज़ को पता है। और पैसा वसूल कैसे किया जाता है ना, ये मम्मियाँ जानती हैं। पापा को क्या है, पापा तो कैमरामैन है, क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, ऐसे थोड़े ना होता है। ठीक है ना, तो आज का ये ज्ञान है, क्योंकि मैं बहुत ज्ञानी हूँ इसलिए मेरा दिल कर रहा था सुबह सुबह ज्ञान देने का। तो मैं पजामा आयुष का हैप्पी बर्थडे कर दिया ज्ञान देने के चक्कर में, पर वो पहले से फटा हुआ था। ठीक है, धन्यवाद। आज हम बनाने जा रहे हैं, ये हमारी बची हुई इडली है जो हमने कल बनाई थी चटनी के साथ और ये बच गई। तो जब इडली थोड़ी सी फ्रिज में रखी जाती है ना तो थोड़ी सख्त हो जाती है, तो हम इसका एक स्नैक्स बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमने लिया है प्याज, हरी मिर्च, करी पत्ता और पहले डालेंगे क्या, मस्टर्ड सीड्स। ठीक है जी, ये डाल दिया हमने मस्टर्ड सीड्स। अच्छे से करारे होने दो इनको, पूरे अच्छे से हो जाएंगे। जब अच्छे से काले हो जाते हैं ना ये, तो इनका फ्लेवर अच्छा आता है। ठीक है जी, तो इनको आराम से होने दो अच्छे से बढ़िया से। ये मस्टर्ड सीड हमारे अच्छे से नाच रहे, उछल रहे हैं। अब डाल देंगे हम इसमें प्याज। ठीक है, और ये डाल दी हमने, इस साइड डाल दी हमने इडली। और इसको थोड़ा सा हमने दोनों को, देखो प्याज को और इडली को ना, कैमरामैन इधर दिखाइए, इडली इधर है और प्याज इधर है। ठीक है, ये थोड़े अभी क्रिस्पी हो जाएंगे तब हम इनको पलटेंगे, अभी एक ही तरफ रहने देते हैं। ओके, ये हमारा ना एक अच्छा सा स्नैक्स बन जाएगा। और ऐसे इडली अच्छी भी नहीं लगती, और जब ये बन जाता ना तब सब खा जाते हैं। और वैसे बोलो इडली खाने के लिए तो ताजी चाहिए, है ना। तो अब ये स्नैक्स हमारा रेडी हो रहा है, हम आपको दिखाते हैं अभी। ये देखो जी, ये करारी हो गई है इडली हमारी। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे तब भी चलेगा,
पर हम इसका थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए और बढ़ाने के लिए, क्योंकि भाई शाम का स्नैक्स है तो थोड़ा सा कुछ मज़ेदार सा होना चाहिए, तो हम इसमें मैगी मसाला मिला देंगे और इसको थोड़ा 5 मिनट और ढक के रखेंगे ताकि मैगी मसाला का फ्लेवर पूरा इसमें रस जाए, रम जाए। ठीक है, इडली में मैगी मसाला हम कुछ भी कर सकते हैं, रसोई में हमें पूरी आज़ादी है, इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता हमें। ये तैयार है हमारा इडली का स्नैक्स और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं पर ये मेरा तरीका है। ठीक है जी, आ जाओ शाम के स्नैक्स के मजे लेते हैं। आज संडे है, बाहर हो रही है बहुत तेज बारिश और संडे के दिन स्पेशल खाना बनता है कुछ डिफरेंट सा, पर आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, तो जब तबीयत खराब हो और बाहर से खाना नहीं खाना हो और घर में ही कुछ अच्छा हेल्दी बनाना हो, क्योंकि मुझे गरम गरम दाल का सूप पीना था तो मैंने आज बनाए हैं ये दाल पीली दाल और चावल, जल्दी भी बन गए और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरी तबीयत के लिए भी सही रहेगा और बच्चों के लिए भी सही रहेगा। ठीक है, संडे एंजॉय करो। आज मैंने ये मनी प्लांट बहुत हो रहा था तो मैंने इसको बॉटल में लगा के कमरे में रखूंगी तो अच्छा लगेगा शायद से, शायद से क्या, पर पानी बदलते रहना पड़ेगा। ये हो गया तैयार, ये आयुष ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट बनाया था मेरे लिए, पर अफसोस मेरे बर्थडे वाले दिन ही टिकटॉक ने बाय बाय बोल दी। आज मुझे कोल्ड हो गया है और मैंने खाई है दवाई, उसके बाद मुझे नींद ही नींद आ रही है। उठती हूँ सो जाती हूँ, काम करती हूँ सो जाती हूँ, खाती हूँ सो जाती हूँ, फिर उठती हूँ काम करती हूँ सो जाती हूँ, खाती हूँ फिर सो जाती हूँ, यही चल रहा है। पर अब हम थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए बाहर की हवा में जा रहे हैं क्योंकि मुझे थोड़ी सी ताज़ी हवा चाहिए, तो आपको भी लेके चलते हैं बाहर और आपको आज सैर कराते हैं संडे की। कोरोना में भी रह के हमें अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा उस हिसाब से करना पड़ेगा, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, काम करने होते हैं भाई, ऐसे कब तक चलेगा। ठीक है जी, तो अपने हथियार ले लेते हैं सैनिटाइज़र और मास्क और चलते हैं मार्केट है राइड के लिए। लिपस्टिक लगाने के बाद मुझे याद आया मुझे तो मास्क लगाना है, बेकार हो गई लिपस्टिक मेरी। चंपा भी रेडी है हमारे पीछे भागने के लिए, पर हम स्पीड से लेके जाएंगे ताकि इसको पता ना चले। ओ बैठी बैठ गई, देखो हमारे पीछे दोनों आएंगे, चंपा चमेली आज नहीं आएंगे, इस तरफ से जाते हैं तो नहीं आते। बना रहे हैं साबुदाने आलू की टिक्की जो कि अनन्या को बहुत पसंद है और अनन्या की फरमाइश है आज मुझे साबुदाना आलू की टिक्की, तो ठीक है बना रहे हैं हम आज का नाश्ता यही सही। ठीक है जी, तो हमने कैसे बनाया है अब बताती हूँ आपको। आलू लिए उबले हुए, ठीक है जी, उबले हुए आलू को लेके कद्दूकस किया, साबूदाना हमने 2 घंटे पहले भिगो के रखा था, उसको हमने अच्छे से छान लिया पानी उसका, ठीक है, और पानी छानने के बाद उसमें आलू के बीच में उसको जितना आलू है ना उतना साबूदाना, 2 कटोरी आलू कद्दूकस है तो 2 कटोरी साबूदाना,
दो आलू के बीच में एक कटोरी साबुदाना और प्याज चॉप करके, हरी मिर्च धनिया चॉप करके सारा मिक्स कर दिया और नमक और थोड़ा सा ना जीरा मिला लेना कच्चा, उसका फ्लेवर ही कुछ और आता है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। ये मैं अपना स्टाइल बता रही हूँ और फिर उसकी ऐसे टिक्की बना के रख दी और हम ना इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, डीप फ्राई करके अच्छा बनता है। और क्या है ना कि उनको थोड़ा गर्म भी रखना है कि हमारा तेल भी कम खर्च हो और फैट भी ना बने और टेस्ट भी आए, सारी चीज़ें होनी चाहिए भाई, कम खर्चे में ज़्यादा मजा और फैट भी ना हो, है ना, फैट भी तो नहीं चाहिए ना हमें, वो हैवी भी हो जाता है ज़्यादा डीप फ्राई करने से। तो ये हमारी बन गई टिक्की और साथ में हम ले आए हैं बर्गर ब्रेड, उसके बीच में रख के खाओ चटनी लगा के, या फिर आप ऐसे भी खा सकते हो, पर बच्चों का नाश्ता भी हो जाएगा ब्रेड के बीच में, बर्गर के बीच में लगा के खाएंगे ना तो उनका पेट भी भर जाएगा और चिक्की का स्वाद भी आ जाएगा और मेरे नाश्ते का काम भी पूरा हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखो ऐसे पड़ रही है, अभी हुई नहीं है सारी, मैंने आपको दिखाने के लिए पलटा कि मेरे को भी निंजा टेक्निक आती है। ये देखो ये लिया ऐसे कर दिया, देखा अब इसको हम सुपर होने के लिए इन बिटवीन हम बहुत सारे काम कर लेंगे, इन चीज़ों को हटा देंगे। ठीक है, साथ साथ ना मैं किचन के और भी काम समेटती जाती हूँ। ठीक है, ये नहीं कि अभी वो काम चल रहा है तो मैं उसको देखती रहूँगी, और भी बहुत सारे काम है, ये बच्चों को भी काम करने हैं, ये काम ना बच्चे नहीं सोचते, बच्चे बोलते हैं एक काम कर रहे हैं तो बस एक ही काम कर रहे हैं, तो मम्मी जो होती है ना, मम्मी के 10 हाथ बन जाते हैं रसोई में आते ही। ठीक है जी, ये हरी मिर्चें हैं, इनकी डंडियां तोड़ के हम डब्बी में भर के रख लेंगे, साथ साथ में बर्तन भी धो लेंगे। ठीक है, तो ऐसे डंडी तोड़ के रखने से ना डब्बी में क्या होता है, जब आपको जरूरत है, आपने हरी मिर्ची निकाली, अपना काम किया और खराब भी नहीं होती। और फिर ये नहीं है कि धोना है, जो भी चीज़ बाहर से आए ना आजकल उसको तो धो लो, काट लो, पीट लो और फिर फ्रिज में एंट्री दो, उससे पहले नहीं। ठीक है जी, आज का ज्ञान यहीं तक का था, धन्यवाद, समाप्त। आज की स्पेशल फैमिली मेंबर का नाम है, जिनका हम नाम शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, जो काफ़ी टाइम से मैं नोटिस कर रही थी, ये मैं बताने जा रही हूँ। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके इसको प्राइवेट कर रखा है, हमें शो नहीं हो पा रहा तो हम उनका नाम शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ उसे प्राइवेट मत कीजिए, शो कीजिए ताकि हम उनके नाम देख सकें और बता सकें। आज के विनर हैं, हमारे लिए तो भाई विनर ही हैं, हम तो बहुत पसंद करते हैं उनको और वो बहुत हमारा साथ दे रही हैं, मोनिका वैद जी, जो स्पेशल पर्सन है जिनका नाम शॉर्ट आउट किया जा रहा है, मोनिका वैद जी, ये थैंक यू मोनिका वैद जी, ऐसे ही हमें लाइक सब्सक्राइब और अप्रिशिएट करते रहो, सब्सक्राइब तो किया ही हुआ है। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू।